अरे ये क्या हुआ? ऊपर लाओ ऊपर, मर गया क्या? कि गर्दन आड़ी हुई है बस। ऊपर मतलब नहीं, लेके आओ ऊपर, लेके आओ, क्या हुआ है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हमारे यहाँ पे सारे कबूतर तो बंद नहीं है, यहाँ पे हमारे फैंसी कबूतर अकेले खुले हुए हैं। यहाँ पे हमने है ना, क्योंकि है ना मीटिंग करवाने खुले हुए थे, और यहाँ पे हमारा बादल भी है ना, इसका नाम दोस्तों है ना बादल रखा था पहले हमने, आपने सुना भी होगा, लेकिन आप सब बोल रहे थे इसका नाम पुष्पा रख दो, तो हम इसका नाम पुष्पा यार सोच रहे हैं रख दें, तो पुष्पा 0.2 रख दें हम सोच रहे हैं यार, इसका पुष्पा 0.2 लग रहा है मेरा नाम, तो हम इसका ऐसे कुछ नाम रख देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमारे अभी सारे कबूतर हैं ना यहाँ पे बंद हैं, तो यहाँ पे हम सारे कबूतरों को पहले खोलते हैं हमारे। अया ये देखिए, आने के लिए सब हैं तैयार बैठे थे बिल्कुल के, आने के लिए ऐसे बैठे थे यार बिल्कुल के, हम खोलेंगे और तुरंत बाहर आ जाएंगे ये। चलो यहाँ पे है ना पूरे बाहर आ गए हमारे कबूतर, तो यहाँ पे देखिए पूरे धीरे धीरे आ रहा है यहाँ पे, ये आ गए। और बीमार हमारा कबूतर अभी हम दोस्तों यहाँ पर नहीं रखा, क्योंकि वो बीमार था ना, इसलिए हमने उसे नीचे रख रखा है यहाँ पे। तो अभी है ना हम थोड़ी देर से उसे निकलवाएंगे यहाँ पे, इनको थोड़ा घूमने देते हैं, अभी दाना नहीं डालना है, थोड़ी देर रहना है ना अपना, है ना जो ईट मीट खाते हैं, पत्थर मत्थर कंकड़ वंकड़ जो भी चीज़ें खाते हैं ये, वो खाने देते हैं और जरा थोड़ा रिलैक्स होने देते हैं इन्हें। दोस्तों अब है ना हम क्या करते हैं, हमारे सारे कबूतरों को है ना यहाँ पर दाना डालते हैं जल्दी से। ये देखिए हमने यहाँ पे दाना डाल दिया यहाँ पे। अब दोस्तों हम सोच रहे हैं यार हमारे बीमार वाले कबूतर को भी हमें ना ऊपर मंगवा लेते हैं, क्योंकि यार कबूतरों के साथ वो अच्छा दाना खा लेता है। हमने रात में को ट्रीटमेंट करा था अच्छे से, लहसुन के लिए खिला दी थी, तेल, चलो गला साफ कर दिया था। चलो ठीक है, उठा के ले आओ दोस्तों, हमने सब कुछ है ना कर दिया था उसका ट्रीटमेंट, अल्लाह करेगा तो यार वो ठीक हो गया होगा, अब जो भी हुआ है देखते हैं हम। तो जल्दी से लेके आओ ना उस कबूतर को यहाँ पे। दोस्तों मैंने यहाँ पे दाना डाल दिया यहाँ पे, और ये हमारी सिर्फ और सिर्फ कलदुमी बैठी है यहाँ पे। चलो ये देखिए, मैंने चुपचाप से उठा लिया है इस कलदुमी को। चलो 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 दाना खाना। ये देखिए यहाँ पे और दाना डाल देते हैं हम यहाँ पे, अच्छे से हमने दाना डाल दिया यहाँ पे, और इस सेंटीनेट है ना भगाने में लगा हुआ है, बस उसे दाना तक नहीं खाने दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने देखिए टेबलेट भी खिला दी है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे रखी हुई है हमारे कबूतरों को है ना, हमने 3 दिन या 4 दिन या ज़्यादा ही दिन होगा यहाँ पर खिलाते हुए टेबलेट खिलाते खिलाते, तो यहाँ पर लगता है हमें जल्दी जल्दी है ना अंडे रख देंगे कबूतर हमारे, और देखते हैं यार कितने दिन में रखाते हैं अंडे, बाकी इनकी मर्ज़ी है। क्या अरे ये क्या हुआ? ऊपर लाओ ऊपर, मर गया क्या? कि गर्दन आड़ी हुई है बस। ऊपर मतलब नहीं, लेके आओ ऊपर, लेके आओ, क्या हुआ है? नीचे मत रखना, ऊपर तो लेके आओ, क्या हुआ है? तो दोस्तों अभी अभी है ना कबूतर हमारा वो बीमार वाला यार मर चुका है, क्या हुआ क्या है इसे? ऐसी गर्दन करके मरा है। अरे वो गिर गया होगा यार एक साइड। दोस्तों देखिए कितनी हालत खराब तो नहीं थी, लेकिन यार मर कैसे गया यार बेचारा। यार देखिए मर चुका है यार। दोस्तों हमारा एक कबूतर है ना एक्सपायर हो गया, शिराजी कबूतर जो कि बीमार था यार, ये जिसकी है ना आँख माँख है ना ख़राब थी पहले, इसे पता नहीं क्या था, दिखाना यार कैसे मर गया यार ये। सारा ट्रीटमेंट दोस्तों हमने किया हुआ था इसका, हमें ना पहले से भी ट्रीटमेंट चल रहा था आपसे मतलब पूछने से पहले से भी ट्रीटमेंट चल रहा था इसका, आपने देखा होगा पहले नीचे रखते थे हम, फिर ऊपर रखने लगे थे, फिर आपसे पूछा था हमने, और फिर इसका ट्रीटमेंट किया, लहसुन की कलियाँ मलियाँ भी खिलाई, लेकिन यार ये बेचारा नहीं बच पाया, लगता है ये हमारी किस्मत में नहीं था यार, ज़्यादा बीमार होने की वजह से आज शायद ये मर गया हो। हमने इसलिए दूसरों का कबूतरों से अलग भी रखा था, तो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, दवाई पिला दी थी मैंने, दवाई पिला दी थी यार दोस्तों हमने, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में नहीं होता वो नहीं मिलता यहाँ पर, सही बात है। तो यहाँ पर आइए एक्सपायर हो गया, तो हम ऐसे है ना दफन करके आएंगे दोस्तों। और हमारे यहाँ पर देखिए यार कबूतर उड़ गए, तो उड़े ना तो अच्छा है यार, क्योंकि यार बेरी मेरी आ जाती है फिर दिक्कत होती है यहाँ पर। हाँ दोस्तों बेरी का टाइम भी हो रहा है अभी, तो है ना फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। और यहाँ पे अभी है ना कबूतरों को यहाँ थोड़ी मस्ती करने देते हैं, और दोस्तों जब तक हम चलते हैं यार हमारे इस कबूतर को है ना दफन करने। तो यार दोस्तों मैं सोच रहा हूँ हमारे कबूतर को यार दफन करने से पहले हमारे सारे कबूतरों को है ना यहाँ बंद कर देते हैं, क्योंकि यार है ना मसला हो सकता है, फिर अगर चील मिल आ गई बेरी मेरी आ गई तो फिर है ना हमारे सारे कबूतर ज़ाया हो सकते हैं, इधर उधर भाग जाएंगे, किसी के पर कटे हुए हैं, किसी के यार पर नहीं है, कोई उड़ नहीं पाता सही से फैंसी हैं, तो कुछ यहाँ पर गिर जाएंगे वहाँ पर गिर जाएंगे, फिर मिलेंगे नहीं, कुत्ता मुत्ता खा लेगा, तो फिर और नुकसान ही नुकसान हो जाएगा फिर। तो हम सोच रहे हैं दोस्तों पहले है ना कबूतरों को जल्दी से मैं बंद कर लेता हूँ हमारे। दोस्तों अभी है ना हमारे शिराजी कबूतर को यार दफन करके आ चुके हैं नीचे, और यहाँ पे अभी है ना हम बाकी परिंदों को देख लेते हैं यार। हमें तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा यार इस पेटी में वो बंद रहता, देखिए हमने इसे धूप में रख दिया, इसके अंदर कुछ वायरस होंगे तो वो निकल जाएंगे, इसे हम यहीं पे है ना धूप में रखे रहने देंगे कुछ दिन। और यहाँ पे देखिए हमने है ना यहाँ पे हमारे खरगोशों के बच्चों को यहाँ पे छोड़ रखा है इसके पिंजरे के अंदर यहाँ पे देखिए, और ये काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यार। और यहाँ पे देखिए हमारा बनी मेरे पास आ चुका है, क्या चाहिए?
बनी ये लो किसे ये कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है घूमते रहो यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे देखिए कलरफुल चिक्स भी यहाँ पे घूम रहे हैं यहाँ पे कितने अच्छे से माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी ब्लैक मुर्गी यहाँ पे है ना अपने बच्चों को यहाँ पे घुमाती रहती है, लेकिन एक बच्चा यहाँ पे अलग घूमता है, बाकी हमने हमारे यहाँ पे डक्स को खोल दिया है जिस तरह से हम रोज़ खोलते हैं। और मुर्गा मुर्गी यहाँ पे देखिए हमारे बंद है अभी देखिए, तो मुर्गा मुर्गी को हमें ना इनके टाइम पे खोल ही देंगे यहाँ पे। और खरगोश को हमने ना हमारे यहाँ पे बनी को यहाँ पे बाहर निकाल रखा है और यहाँ पे पानी पी रहा है सर्दियों में भी, क्योंकि यार दोपहर में तो है ना धूप टाइप की जाती है तो गर्मी टाइप की लगती है। और यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे चूज़ा हमारा इसके अंदर बंद होता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने मुर्गियों के लिए यहाँ पे देखिए इसके अंदर घास भर दिया है, तो इसके अंदर है ना मुर्गी हमारी आके अंडे मंडे दे सकें, इसलिए हमने ऐसा करा यहाँ पे इस डब्बे के अंदर। तो हो सकेगा यार तो अंडे देंगी, वैसे नीचे दे देती हैं हमारी सारी मुर्गियाँ अंडे, तो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे भी दे सकती हैं। और बाकी दोस्तों आपको बताइएगा ये बच्चे को है ना कब छोड़ देगी मुर्गी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मुर्गी है ना अपने छोटे छोटे चूज़ों को है ना कब अपने इसे जुदा कर देगी, मतलब अलग कर देगी ये, तो ये मैं सोच रहा हूँ यार कब तक ऐसा होगा फिर हम इसे है ना मुर्गी के साथ छोड़ने लगे हम, क्योंकि ये है ना अच्छे से है ना बच्चों को पाल तो रही है लेकिन कितने दिन तक पालेगी आप ये बताइएगा मुझे। ये वाले बच्चे देखिए इतने बड़े बड़े हैं, अभी आ जा, आते ही नहीं है यार मेरे बुलाने से। ये देखिए इन दोनों की यार फाइट चल रही थी, ये देखिए मुर्गी मारती है और खरगोश तो हमारा मारता नहीं है, बेचारा आता है लेकिन ये डरा देती है उसे फिर भाग जाता है हमारा खरगोश। ये भी क्या कर सकता है यार बेचारा, देखिए डरता है मेरे पीछे से जाता है। आ जाओ बनी बनी, देखिए दोस्तों हमारा बनी है ना आ जाता है अपने नाम बुलाने से बनी। ये देखिए मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्यार लगता है हमारा दोस्तों बनी, ये देखिए किस तरह से कर रहा है यार बनी। चलो खेल लो खेल लो, यहाँ पे खेल लो मेरे पीछे मत आना आप। और यहाँ पे अभी सारे है ना हमने परिंदों का दाना पानी तो कर रखा है, यहाँ पे खरगोश को है ना हमने इसलिए छोड़ रखा है ताकि ये घास खाना सीख सकें, और बाकी है ना हमने वहाँ मास्टर केज के परिंदों का भी है ना सब दाना पानी कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों मुझे काफ़ी बुरा लगा यार हमारा शिराजी कबूतर यहाँ मर गया, तो यार पता नहीं यार क्या था उसमें है ना क्या बीमारी आ गई थी क्या क्या था मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा है। शिराजी कबूतर का एक्सपायर ही हो गया यार कुछ नहीं, तो यार हमने सारा ट्रीटमेंट कर दिया जैसा आपने बताया था, लहसुन की कलियाँ भी खिलाई थी हमने सब कुछ कर दिया था, लेकिन किस्मत में नहीं था लगता है हमारी, तो वो यार एक्सपायर हो गया आज। बस यार यही था आज का व्लॉग, मिलते हैं किसी नए दूसरे पेट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।